देश में जारी है कोरोना की दहशत। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 1,79,723 नए मामले, 146 की मौत। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 19,166 केस आए सामने। टेस्ट कराने वाला हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,334 नए मरीज मिले, 335 लोग हुए डिस्चार्ज, 4 की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,292 लोग संक्रमित, 294 हुए डिस्चार्ज, कुल संक्रमित की संख्या पहुंची 5,009। पंजाब में कोरोना के 3,969 नए संक्रमित मिले, 885 हुए ठीक, 7 मरीजों की गई जान। तो लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जो दो बड़े महानगर हैं, ऐसे में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,648 नए केस आए सामने, 5 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 6,097 नए मामले, 2 की मौत। केरल में 5,797 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 2,796 हुए डिस्चार्ज, 19 की गई जान, एक्टिव केसेस की संख्या 37,736। पश्चिम बंगाल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोविड के 19,286 संक्रमित मरीज मिले, 8,187 हुए डिस्चार्ज, 16 की मौत। झारखंड में कोरोना के 4,482 नए मामले आए सामने, 2 की मौत।